हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार। आप सबको मेरा नमस्कार। आज का ये वीडियो रहेगा हमारा जो मेजर प्रोजेक्ट था मैकेनिकल फाइनल ईयर का, उसके ऊपर बेस्ड, क्योंकि एक यूनिक प्रोजेक्ट था और इसमें जो है एक तरह से स्टार्टअप हमने किया था। और वो स्टार्टअप क्या था, उसके पीछे क्या आइडिया था, और इसमें जो है हम वीडियो में इसके अलावा बात करेंगे कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए। और क्योंकि हमारा ये एक तरह से प्रोजेक्ट था तो हमें इसको बंद करना पड़ा था बाद में, और इसके जो चैलेंजेस हैं वो आपके लिए काफ़ी वर्थफुल रहेंगे कि हम उसमें क्या क्या चैलेंज, अगर कोई स्टार्टअप ऐसे करना चाहता है या कोई स्टार्टअप फेल क्यों होता है, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर बारीक से बारीक डिटेल मिलने वाली है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्या प्रोजेक्ट था। तो हमने जो है एक हॉस्टल के अंदर हॉस्टलर्स ऑनलाइन शॉप जो है ओपन करने के लिए सोचा था। जो हॉस्टल में स्टूडेंट्स रह चुके हैं उनको पता है कि जो हॉस्टल स्टूडेंट्स होते हैं वो लेजी होते हैं, उनको सारी चीज़ें जो हैं हॉस्टल के अंदर चाहिए होती हैं, और जो है मतलब वो नहीं चाहते कि उनका जो कंफर्ट जोन टूटे। तो ऐसे में आप इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। आपके दिमाग में आता है कि हॉस्टल, हमने भी ये जो है चीज़ इसी चीज़ से शुरू की थी, बट बाद में जो चैलेंजेस आए उसने हमारा जो है दिमाग पूरी तरह से घुमा दिया था। क्योंकि इसमें जब आप बिना तैयारी के किसी चीज़ में अपने खाली खुद पर कॉन्फिडेंस करके कूद जाते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ उस तरह से वर्क नहीं कर पाती जैसे कि हमें सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में दिखती है। तो ऐसे में हमें हमारा सबसे पहले हम आइडिया आपके साथ डिस्कस करते हैं कि हमने जो है देखा कि एक लेजीनेस होती है, और सेकंड थिंग थी कि जो है हमारा कॉलेज ये था चौधरी देवीलाल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सिरसा में पड़ता है ये, पन्नीवाला मोटा गांव के पास। तो ये हमारा हॉस्टल होता था। यहाँ पर जो है एक कैंटीन होती थी, तो लेकिन कैंटीन भी अपना एक लिमिटेड स्टॉक ही रखती है। वहाँ पर आपको सुई धागा नहीं मिल सकता, वहाँ पर आपको जो है टेलर की शॉप नहीं मिलती, आपको जो है वहाँ पर एक एक कैंटीन है केवल पूरे हॉस्टल के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर छोटे मोटे जैसे खाने के लिए थोड़ा सा नमकीन बिस्किट वगैरह हो गया, या छोटी मोटी जो कॉपी पेन वगैरह, और थोड़ा बहुत बस समोसे और पेटीज, डेट्स इट। इतनी सी कैंटीन थी। लेकिन जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होते हैं वो एक तरह से हॉस्टल में अपना घर बना लेता है, और घर में जो है क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए होती, मैगी बनाने के लिए उसको इलेक्ट्रिक कैटल, या उनको रिपेयर करवाने के लिए, या जो कूलर वगैरह उनको चाहिए होते हैं, या आप कुछ भी जो घर में यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वहाँ पर भी आपका यूज़ होने में आती हैं। तो ऐसे में कैंटीन जो है पूरी तरह से इन चीज़ों को पूरा करने में जो है फेल होती थी। और क्योंकि आसपास सिर्फ एक ये पंजाबी फास्ट रेस्टोरेंट था, ये भी एक नॉन वेज है, तो नॉन वेज रेस्टोरेंट में जो है जाने में भी काफ़ी स्टूडेंट जो है जैसे मेरे जैसे तो नॉन वेज रेस्टोरेंट में जाना प्रेफर नहीं करते हैं। और आसपास देखिए आप, और कुछ है नहीं कॉलेज के, तो एक जो है आउटसाइड सिटी एरिया में पड़ता था, तो ये केवल आसपास खेत हैं आप देख सकते हैं। तो ऐसे में जो चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, बेसिक प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है, वो नहीं हो पाती थी। आप देखिए इसमें जो सबसे नज़दीक जो है एक पार्शियली सिटी मतलब आधा शहर टाइप गांव है, वो ये ओडा बोलते हैं इसको, ये डबली रोड पे आता है। तो ये लगभग 5 से 7 किलोमीटर जो है दूर पड़ता था कॉलेज से। और अगर मैं बात करूं इस गांव की, तो ये गांव जो है, गांव में तो सारी चीज़ें तो नहीं मिलती, ऑलमोस्ट जो है मिल जाती थी। जैसे स्टेशनरी शॉप भी अगर जाना होता है, यहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता, 3 किलोमीटर जाना 3 आना, तो 1 घंटा तो किसी भी स्टूडेंट का वेस्ट होता ही होता है। लेकिन हॉस्टल कल्चर अगर आपको पता है तो अकेला स्टूडेंट कभी नहीं निकलता। अगर उसको 10 रुपये कॉपी भी लेनी है तो वो अपने दो दोस्तों को साथ लेगा जाएगा, वो कॉपी लेगा, और वो उसका दोस्त जो है आसपास के जो खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ पर उनका खर्चा करवाएंगे, और वो वहाँ पर खुशी खुशी खर्च करके आ भी जाएगा। तो हमने देखा कि जब इतना टाइम वेस्ट हो रहा है और स्टूडेंट जो है पैसे भी खर्च कर देते हैं ऐसे
₹10 की कॉपी की जगह ₹100 का खर्च करके वापस आते हैं। तो एक दूर दराज की जो हैं और जो गर्ल्स हॉस्टल है, वो गर्ल्स हॉस्टल तो जैसे ये मानिए कि 5-7 बजे के बाद तो उनमें से कोई निकल ही नहीं सकता, और 5 बजे के बाद तो कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर जाना भी अलाउड नहीं है। तो फिर ऐसे में उनको तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, और कैंटीन भी उनकी जो, क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी कम है तो उनकी जो कैंटीन भी काफ़ी बॉयज़ के मुकाबले हाफ के हाफ इतना ही सामान रखती है। तो इतना जो है कमज़ोर जो है सिस्टम है यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करने का गवर्नमेंट कॉलेज में, और जबकि एक आउटसाइड सिटी एक कॉलेज पढ़ता है, और यहाँ पर सेम सिलेबस होता है इंजीनियर का जो आईआईटी एनआईटी में होता है, इनको सेम सिलेबस कवर भी करना होता है। मतलब चीज़ें वही हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो है टाइम जो है कहीं और जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टूडेंट्स के रिजल्ट इफेक्ट होते हैं, और फिर वैसे ही इंजीनियर जो हैं बाहर जो है प्रोडक्ट वैसा नहीं दे पाते हैं। जैसे मतलब एक इंजीनियर को एक इफेक्टिव स्टडी करने के बाद एक इफेक्टिव तरीके से काम करना चाहिए, वो इनको नॉलेज नहीं हो पाती। तो बेसिक रूट यही है कि उनको वहाँ पर जो है काफ़ी अलग अलग चीज़ों में अपना ध्यान बांटना हो जाता है, और वो अपने स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। तो ये था हमारा बेसिक आइडिया कि अगर हम ये जो सारी चीज़ें तो कैंटीन में नहीं अवेलेबल हो पाती हैं, और हो भी जाती हैं तो मोनोपोली होने के कारण थोड़ा सा बजट हाई रखता है, तो क्यों ना हम इन चीज़ों को डिलीवर करें। जबकि एक स्टूडेंट के पास जो है पैसा तो है, बस उसके पास जो है आसपास रिसोर्सेज की कमी है, क्यों ना हम इसको एक चेन के रूप में बनाएं। क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन भी छोटे प्रोडक्ट्स तो ऐसे डिलीवर नहीं कर सकते हैं। तो हम ने सोचा कि हम भी जो है जो कैंटीन में ना मिलता हो या अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे उन पे ना मिलता हो, या मिल भी रहा है तो वहाँ पर महंगा है, आसपास के मार्केट में जो है सस्ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, आसपास जो है एलईडी बल्ब जो है 63-64-65 या मैक्सिमम 75 रुपये 80 रुपये तक मिल जाते थे। तो ऐसे में अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन मंगवाने की, तो ऑनलाइन वो महंगा पड़ता है। कैंटीन वाले ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान रखते नहीं हैं, या रखते हैं तो वो 120-140 रुपए के रेट पे बेचते हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसमें ये है कि यस मैं कुछ करना चाहता हूँ, ओपन करना चाहता हूँ, तो वो ऐसे में अगर ऐसा आइडिया हाथ लगता है तो वो सोचेगा कि क्यों ना एक बार शुरू किया जाए। तो हमने भी वैसा ही सोच करके इसको शुरू किया, लेकिन बाद में जो चैलेंजेस आए वो आपको इस वीडियो में या इसके नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा बेसिक आइडिया कि हमने इसको ओपन करना है, एक अपनी होस्टलर्स ऑनलाइन शॉप को, और इसमें के लिए हमने अपना एक जो है इंस्टाग्राम पेज बनाया, और अपने कल्चरल फेस्ट पे जो है पूरे कॉलेज के सामने अपने जो है इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी कि हम 5 मई से जो है ऐसी कोई दुकान आपके यहाँ पर ओपन करने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स काफ़ी खुश और एक्साइटेड थे, और लेकिन कल्चरल फेस्ट में प्रॉब्लम ये थी कि काफ़ी स्टूडेंट्स घर पे जा चुके थे, तो स्ट्रेंथ कम थी, और टोटल जो हॉस्टल्स की बॉयज़ और गर्ल्स की अगर मैं स्ट्रेंथ मिला करके बोलूँ तो उस कॉलेज में ज़्यादा नहीं, 300 के आसपास हॉस्टलर्स की स्ट्रेंथ थी। तो ये हमने देख लिया कि जो है नीड है और हम ऐसे अर्न कर सकते हैं, हम डिलीवरी करेंगे। लेकिन जब हमने इसके बारे में थोड़ा सा और पूछा और शुरू किया, फीडबैक लिए, तो हमें पता चला कि 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स तो वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्कॉलरशिप के चक्कर में, या उनको मतलब उनका जो है बैकग्राउंड फाइनेंशियल कमज़ोर होता है, वो इसलिए ऐसे कॉलेज में लोकल गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। तो ऐसे में उनसे फिर कैसे रुपए अर्न किए जाए? वो जो हम देख रहे थे कि 10 रुपए की कॉपी के चक्कर में 100 रुपए का खर्च कर, वो मतलब ऐसे बैठ के तो नहीं होने वाला था कि उनकी जो है 90 रुपए की कमाई हम ले जाएं। वो क्योंकि सामने चीज़ें उनको दिखती थी इसलिए वो ले लेते थे, और वो भी एक आधा ही होता है, एक आधा तो ऐसा होता है कि जाएगा सिर्फ जो सामान चाहिए वो लेकर के ही आएगा। तो ऐसे में वो एक फ्रेंड सर्कल
ऐसा हो जाता है कि ओरा हो जाता है कि वो एक्सपेंड कर देता है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में हॉस्टल में बैठ करके ऐसा कोई करने वाला नहीं था। ये चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी करके समझ आ रही थी, तो हमने देखा कि यार स्टार्टिंग में तो इसमें हमें एक फ्री जो है सर्विस हमें रखनी पड़ेगी, एज अ प्रोजेक्ट हमें इसका एक्सपेंस उठाना पड़ेगा, तो हमने इसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रखा। इंस्टाग्राम पर हमने इसको की अनाउंसमेंट की आगे फर्दर की, ये एक्चुअल में है क्या, क्योंकि स्टूडेंट्स धीरे धीरे करके घर से आ रहे थे टेस्ट के बाद, और क्योंकि इसको हम ज़्यादा डिले भी नहीं कर सकते और गर्मी बहुत ज़्यादा थी मई के टाइम, और वो एक पंजाब साइड का इलाका है, पंजाब साइड में मतलब राजस्थान साइड, तो मतलब एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा गर्मी जो है खुले इलाके में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो मई में काफ़ी तेज़ गर्मी थी और हमने जो है इस चीज़ की जो सप्लाई चेन को फुलफिल करने का, सप्लाई एंड डिमांड को फुलफिल करने का जो है जिम्मेदारी उठाई थी, और अनाउंसमेंट करने के बाद जो है सबसे फर्स्ट चैलेंज जो हमारे सामने था वो था वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, और उसमें क्या क्या मटेरियल डालने हैं स्टूडेंट की नीड के हिसाब से, और उसके बाद मार्केटिंग भी साइड बाय साइड करनी है कि हमारा पेज हमारी वेबसाइट है क्या, आपको क्या क्या आप ऑर्डर क्या क्या कर सकते हैं, आपको कब तक मिलेगा, क्योंकि कस्टमर को दो चीज़ें बतानी होती है कि आप क्या ऑर्डर मतलब क्या ऑर्डर कर सकते हो, वो तो वेबसाइट पे है ही, वो हमारा बैकएंड का काम था कि हम क्या क्या लिस्ट कर रहे हैं। सेकंड थिंग उनको ये बताना कि कब तक डिलीवरी आएगी और प्राइस क्या रहेगा, तो प्राइस कैलकुलेशन और टाइम की कैलकुलेशन है, हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट आता है ऑपरेशन रिसर्च करके, इसमें आप जो ट्रैवलिंग की कॉस्ट होती है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर आपको तीन चार सिटीज़ में या तीन चार जगह पर जाना है तो वो रूट क्या पकड़ेगी सब आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, तो ऐसे में हमने उस सब्जेक्ट का सहारा लेते हुए इसको उस सब्जेक्ट से जोड़ करके हमारा मेजर प्रोजेक्ट जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हमने अनाउंस किया। उसके बाद जो है कस्टमर को बताने के लिए कि हमने एक्चुअल में आपके लिए क्या ओपन किया है, वो हमने इंस्टाग्राम पेज के थ्रू बताया कि आप यहाँ पर व्हाट्सएप या हमारी whoshop.in की वेबसाइट है वहाँ पर जा करके आप डायरेक्ट परचेज कर पाएंगे, और 5 मई से ये रात को जो है चालू हो जाएगी, और ऑर्डर आप क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डर आप कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपका आसपास जो है मार्केट में सामान मिलता है, बट इलीगल चीज़ें जो हॉस्टल में नहीं है रखनी अलाउड वो आप नहीं कर सकते, जैसे सिगरेट हो गया या नॉन वेज वगैरह आइटम्स हो गए, तो ऐसे जो है हम प्रेफर नहीं करते थे लेकर के आना हीटर वगैरह। तो प्रोडक्ट प्राइस क्या रहेगा इसके लिए हमने जो है रिसर्च करके बाद में किया था, अंदाज़ा लगाया था कि जो मार्केट प्राइस से अगर ज़्यादा मिला तो कस्टमर खुद जा करके ले आएगा, हमसे नहीं लेने वाला, अगर 10 रुपये की कॉपी हम 15 रुपये में देंगे वो नहीं लेगा, वो जाएगा खुद लेकर के आएगा, और वहाँ पर भले ही उसका खाने पीने का अलग खर्चा होता है वो उस चीज़ को माइंड नहीं करता, लेकिन वो जो डायरेक्ट जो है उसका एक्सपेंड बढ़ता हुआ दिखता है वो उस पर पे नहीं करता, तो इसके लिए उसको हैबिचुअल होना पड़ेगा। तो हमने स्टार्टिंग में ये कहा कि आपको जो मार्केट में प्राइस मिल रहा है उसी मार्केट प्राइस पे हम आपको ला करके देंगे। इसका पीछे का बैक एरिया ये था कि हमें अगर पूरे हफ्ते के थर्सडे तक के ऑर्डर मिलते हैं, मतलब संडे टू मतलब एक फ्राइडे से लेकर के थर्सडे नाइट तक जो भी हमें ऑर्डर मिलेंगे उनको जो है हमें कलेक्ट करना है, और उसकी जो भी स्ट्रेंथ हो जाती है 1200-1300 रुपये की या 1500 या 2000 तक हमारी गई थी पर डे, एक दिन तो 7000 के आसपास गई थी, तो ये जो एक हफ्ते की जो है ऐसे बल्क में हमें ऑर्डर मिलता है, तो जब हम दुकानदार के पास जाते हैं तो वो हमें कुछ छूट दे रहता है, और ये छूट ऑन एन एवरेज हमारे लिए 10% रही थी, तो 10% हमें अगर 7000 का सामान 700 रुपये कम में मिलता है तो उससे हमारी जो डिलीवरी की कॉस्ट है वो कम हो जाती थी, और इसके साथ हमने कोलैबोरेट करके जो दुकानदारों के साथ ये भी बात कर रखी थी कि अगर फ्रूट है जैसे, तो अगर वो 10 किलो से ऊपर का ऑर्डर आता है तो आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल गेट तक डिलीवर कर देंगे, और इसे कम में आता है तो हम जो है आपको डिलीवरी चार्जेस पे कर देंगे,
और इसके अलावा जो है अगर दूसरे प्रोडक्ट्स किरियाना वगैरह का हो गया तो उस पे जैसे 500 रुपये तक का था कि 500 रुपये तक के सामान पे आप जो है 10 या 7 से 10% का मार्जिन रहता था। तो आप जो है इतना मार्जिन हमें देंगे तो वो जो है हमें पिकअप करनी होती थी या किसी से करवानी होती थी, तो उसके लिए एक्सपेंस लगता था। तो उसके लिए हमने कॉलेज से भी रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक जो है, बट वो चीज़ नहीं हो पाती क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, वो एक्सपेंस कहाँ पे शो करेगा उस पर्सन का। तो ऐसे में कॉलेज हमारी यहाँ पर मदद नहीं कर पाया था। नेक्स्ट थिंग आती है फ्राइडे और सैटरडे को, जो है हमने उनको टाइम दिया कि हमारी जो डिलीवरी फ्राइडे या सैटरडे को, क्योंकि एक जगह पर हम गए वहाँ पर सामान नहीं मिला या वहाँ पर स्टॉक में नहीं था, तो हमें नेक्स्ट डे उसको कहीं और से अरेंज करके कस्टमर तक पहुँचाना होता था। डिलीवरी का टाइम देना ज़रूरी था कि हम कब आपके पास डिलीवर करेंगे, 5 से 7:30 का हमने टाइम निश्चित किया। तो प्रॉब्लम ये होती थी, 5 बजे तक कॉलेज होता था, 7:30 बजे तक फिर स्टूडेंट्स खेलने गए होते थे बाहर ग्राउंड में, तो 5 से 7:30 तब उसके लिए हमने पहले से मैसेज करना शुरू किया कि हम आपका सामान लेकर के इतने बजे तक पहुंच जाएंगे, आप कृपया हॉस्टल गेट पे खुद हो या अपने भी आप पे किसी को वहाँ पर सामान कलेक्ट करने के लिए और पे करने के लिए किसी को भेज दें। तो पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रहता था, तो जाते ही वो खुद भी पे कर सकता था, मतलब कैश में, और ऑनलाइन भी पे कर सकता था, जैसे उसकी इच्छा वैसे वो पे कर सकता था। तो ये हमने जो है अपना इंस्टाग्राम पेज से बताया, क्योंकि कल्चरल इवेंट में जो है काफ़ी स्ट्रेंथ कम थी, तो हमने जो है एक जूनियर सीनियर्स की मीट करवाई थी कि वहाँ पर जो है उनको स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी किया जा सके, एज अ सीनियर जो हमारे एक्सपीरियंस है वो बताएं, और लास्ट में अपना जो है प्रोजेक्ट के बारे में भी उनके साथ डिस्कस कर लेंगे कि हमने जो है प्रोजेक्ट वो क्यों, और उसे स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट को क्या क्या बेनिफिट हैं वो सब के लिए जो है। हमने एक जूनियर सीनियर मीट भी रखी थी जस्ट वन डे बिफोर जब हम अपना लॉन्च कर रहे थे, तो उसमें हमने स्टार्टिंग में 13 जो है कैटेगरी ओपन करने की सोची कि किरियाना, किरियाना में सब जो भी किरियाना आइटम्स होते हैं एवरीथिंग, और ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम अखरोट वगैरह हो गया, बिस्कुट नमकीन, स्टेशनरी का जो भी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, एज अ स्टूडेंट स्टेशनरी का प्रोडक्ट्स जो है हमें रखने काफ़ी बल्क में थे। मेडिकल, मेडिकल में हमने टैबलेट वगैरह तो नहीं रखी क्योंकि उनका लाइसेंस वगैरह का इश्यू होता है, जैसे डिटोल हो गया, साबुन, सैनिटाइजर, मास्क, फर्स्ट एड किट में जैसे पट्टी, बैंडेज वगैरह ये सब हम रखते थे। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क था, बट आसपास के जो दुकानदार थे उन्होंने हमारा इस चीज़ में सपोर्ट किया। एक बार तो हमने जैसे मार्केटिंग के लिए जो है ओपन किया था मैंगो जूस और बनाना शेक का, क्रिकेट जो मैच चला हुआ था, एक क्रिकेट प्रीमियर लीग जो है मैच होता है एक साल में एक बार, तो उसके साथ साथ हमने जो है स्टूडेंट्स को गर्मी में अपनी तरफ से ये भी बाहर के मार्केट प्राइस से एटलीस्ट 20% डिस्काउंट पे हमने जो है ओपन कर रखा था। तो वहाँ पर जो भी रेट मिलता था उससे 20% डिस्काउंट पे हमने जो है फ्रूट जूस को जो है एक स्टॉल लगाई थी, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको पसंद किया था, प्योरिटी थी, गौशाला से दूध मिल गया था, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, अगर ऐसे प्योरिटी की अगर कोई चीज़ मिल जाए तो। उसके लिए भी काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि आप इसको अगर ओपन करवा सकते हैं तो जैसे स्टॉल को परमानेंट गेम के बाद शाम को, बट एज अ स्टूडेंट, फाइनल ईयर स्टूडेंट, अब इतनी सारी जिम्मेदारियां हम नहीं संभाल सकते कि किसी को ऐसे स्टॉल के लिए खड़ा करवा करके उसको बताएं और वो उतने ही प्राइस पे, क्योंकि फिर उसका भी एक्सपेंड होता है। जब हम खुद करते हैं तो चीज़ें बजट में आती हैं, लेकिन जब हम दूसरों से करवाते हैं आउट ऑफ बजट जाती हैं। होम सप्लाईज जैसे बटर, पनीर, मक्खन, घी, दूध, ये सब हो गया, तो ये सब भी हम अरेंज कर लेते थे। जैसे होम सप्लाईज में गौशाला से हमारा दूध हो जाता था क्योंकि वो काफ़ी सस्ता है वहाँ पे, पहले 30 रुपये फिर 35 रुपये किलो तक हो गया था, तो हम सेम रेट पे जो है इसको डिलीवर करते थे।
और वीकेंड के लिए फ्री रहता था, अब क्योंकि होम सप्लाई तो क्योंकि रेगुलर चीज़ें होगी तो ये रेगुलर ही ऑर्डर होती हैं, तो रेगुलर के बेस पे हमने कहा था कि 29 रुपीज़ पर वीक के आपके चार्जेस लगेंगे, आपको एक दिन मतलब आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हो जाएंगे, आपको नेक्स्ट डे ही जो है इन चीज़ों की डिलीवरी मिल जाएगी जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं नेक्स्ट डे। या आप एकदम फिक्स भी कर सकते हैं कि हमें रोज़ चाहिए तो हम रोज़ आपको ला करके दे देंगे, आपको रोज़ रोज़ जो है ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक जो है फैशन में जैसे कपड़े हो गए और फुटवियर वगैरह हो गए, तो ये हमने ज़्यादा इसमें नहीं रखा था, हमने इसमें बस टी शर्ट और बेसिक स्लीपर्स जो होती हैं बाथरूम के लिए जो यूज़ करते हैं वो सब रखी थी, क्योंकि इसमें जो एक्सचेंज की साइज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और बर्थडे पार्टी केक वगैरह और ये काफ़ी मतलब सामान बिकता है, और इसके लिए पार्टी के लिए हमने जो सामान जो भी हॉस्टल में लगता है केक बेसिकली लगता है, और या जो है मेन तो केक ही होता है, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक बोतल तो कैंटीन से भी मिली जाती थी, और टेलर का जो है सामान जैसे सुई धागा वगैरह प्रिंट आउट करवाना होता था कोई हमें तो पीडीएफ भेज देता था व्हाट्सएप से, तो हम उसको प्रिंट करवा करके और जो सेम रेट जो उनको वहाँ पे प्रिंट आउट की दुकान है इसके हमारे पास काफ़ी ऑर्डर्स आए थे तो वो प्रिंट करवा करके हम ले करके आ जाते थे। स्पोर्ट्स का अगर कोई सामान है जैसे बैडमिंटन रैकेट और टेबल टेनिस रैकेट हो गया, बॉल होगी क्रिकेट की, ये सब परचेज करना है तो ऑर्डर कर सकते थे। फ्रेशर किट में जैसे गद्दा हो गया, पिलो हो गया, बेडशीट होगी, बकेट हो गई, और ये सब जो है बेसिक फ्रेशर जब आता है साबुनदानी हो गया उसको ये हर छोटी से छोटी चीज़ उनको रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो हमने सब कुछ लिस्ट किया था, तो जो हमारी फ्रेशर किट थी वो काफ़ी लंबी थी, स्टेशनरी की काफ़ी लंबी थी, तो ये जो है दो तीन लिस्ट जो है हमारा हमारी जो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो हमने बताया कि कैसे आप परचेज कर सकते हैं, जस्ट गूगल पे जाइए whoshop.in टाइप करिए और सर्च करिए, हमारी वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। ये बीच में मार्केटिंग के लिए जो है हमने यूज़ किया था, खेलो इंडिया में इनका जो है सिलेक्शन हुआ था तो वहाँ पर ये खेल करके आए थे मेडल, तो ये उस टाइम नहीं अपने नाम कर पाए बट इनका सिलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद हमने जो है फ्री डिलीवरी को जो है प्रेफर किया था, उसकी मार्केटिंग करने के लिए हमने बताया कि जब भी स्टूडेंट को फिर भी डाउट हो रहा था एक पोस्ट हमने फिर से डाली कि ये हमारा लोगो है आप जा करके ऐसे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद और क्लियरिटी लाने के लिए कि भी आपको कब ऑर्डर करना है कब डिलीवरी मिलेगी, तो ऐसे करके हमने ऐसे कई पोस्टें डाल ली। उसके बाद एक नया कंसेप्ट हम ले करके आए इसमें हॉस्टल्स ऑनलाइन शॉप का, शॉप में हॉस्टल्स टाइप का कि आपके पास अगर कोई पुराना सामान है आप किसी और स्टूडेंट को देना चाहते हैं तो उस तरह से आप एक्सचेंज कर सकते हैं, अदल बदल जो है कर सकते हैं, जैसे बुक्स हो गई हैं, या क्योंकि अब ये सेल करना तो नहीं होता है लीगल, तो ऐसे में हम जो है इन सब का लाइसेंस तो रखते नहीं है, तो हम केवल उनका जो है बता देते हैं कि इस स्टूडेंट के पास ये है, और जिसको परचेज करना है वो स्टूडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करता था, हमें बस इसमें जो है एक दिखाना होता था कि ये सामान जो है प्रोडक्ट अवेलेबल है, और जो आउट ऑफ स्टॉक चला जाता था वो इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो जाती थी एक बार परचेज के बाद, जैसे ही ऑर्डर होता था तो वो वहाँ से अपने आप आउट ऑफ स्टॉक दिखाता था। तो इसमें हमने जो है ये काफ़ी लिस्ट होगी जैसे ड्राफ्टर हो गया, ड्राइंग शीट होल्डर हो गया, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये एक बार यूज़ करने के बाद ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं इंजीनियर के एक सेमेस्टर के बाद, स्टडी टेबल हो गई है ये जब फाइनल ईयर वाले जाते हैं तो ये देखे जाते हैं, स्पीकर भी कोई देना चाहे लैपटॉप वगैरह भी एक्सचेंज करना चाहे, कोई अपना पुराना कूलर जो है जब जाता है तो दे करके जाता है, बुक्स वगैरह, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स ये चैलेंजेस थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये हमारा हॉस्टल स्वैप का जो है एक बेसिक सा एक कंसेप्ट था जो हमने लॉन्च किया, तो ठीक था रिस्पॉन्स, अच्छा था रिस्पॉन्स, लेकिन जो
मैंने बताया आपको ऐसी चीज़ों में टाइम लगता है, मार्केटिंग में और हैबिचुअल बनाने में स्टूडेंट्स को। हमने बीच में एक लॉन्ड्री सर्विस भी जो है ओपन करने की ट्राई की, उसके जो प्राइसेस थे वो कुछ इस तरह थे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को ये प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा लगे, एक दो स्टूडेंट्स के अलावा, क्योंकि अब बताया कि 20% स्टूडेंट्स थोड़े से ठीक थे और 80% बैक साइड से आते थे, फाइनेंशियली वीक। तो फिर ऐसे में वो इतना पे नहीं करते हैं वो, लेकिन प्रॉब्लम भी होती है कुछ है धोने में। तो एक आध के तो ऑर्डर आए, बट वो फिर डिलीवरी चार्ज ही था, क्योंकि ये शॉप ओडा थी जो मैंने आपको गूगल मैप पे दिखाया। तो ओडा से जाना आना, तो वो भी कहते थे कि हमें 500 से ऊपर का ऑर्डर चाहिए, तो वरना डिलीवरी चार्ज लगेगा। तो ऐसे में इस चीज़ को जो है ज़्यादा सुटेबल तो नहीं मैं मानता कि वो चली। तो ये जो है सबसे वीक सर्विस रही थी हमारी। बाकी हमने एक बस ट्राई किया था इसको करने का, और टाई अप भी किया था हमने आसपास की जितनी भी सर्विस थी। हम चाहते थे कि स्टूडेंट्स उन चीज़ों का बेनिफिट उठाएं, और हमने जो है कूलर वगैरह भी सेल किए, और इवन हमने रेंट पे भी दिए थे। तो रेंट पे भी हमारे कूलर जो है हुए थे सेल आउट। तो लास्ट में जो है दुकानदार उसको वापस ले लेता था, और उसका जो भी रेंट था वो काट करके उसको बाकी अमाउंट वापस कर देता था। तो ये काफ़ी सही था, ये जो हमने बताया कि मार्केट प्राइस के बीच में हमने एक मैंगो जूस और बनाना शेक का ये जो ओपन किया था। तो फाइनली जो हमारा प्रोजेक्ट का जो टारगेट था वो 100 ऑर्डर कंप्लीट करने का था, तो हमने जो है 113 ऑर्डर्स को कंप्लीट किया। सेल का टारगेट था 10,000 तक की, लेकिन वो हमने एक महीने में 14,200 तक की जो है टोटल सेल को किया। लगभग आप कह सकते हैं 4 हफ्ते जो है हमने जो है ऑर्डर्स को कंप्लीट किया था, और 5 मई से 2 जून, 1 महीना जो है हमने अपने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन किया अपने हॉस्टल में। और काफ़ी एक्सपीरियंस रहे, और बीच में उतार चढ़ाव भी आए। हमने अपने इन्वेस्टर्स से भी बात की, बट इन्वेस्टर्स ने भी कुछ मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस वो पूछेंगे ही, क्योंकि उन्होंने पूछा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओ अपनी क्या है, तुम जो भी फेसिंग प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की, हमें उनका जो है एक राइट शॉप जो है चाहिए होती है, तो वो हम ओपन कर रहे हैं। जो ये हमारा सॉल्यूशन था हॉस्टलर्स ऑनलाइन शॉप का प्रॉब्लम का, क्योंकि स्टूडेंट्स को बेसिक जो है रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट्स की, रूम फर्नीचर चाहिए होता है रेंट के ऊपर, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रिंट आउट, इन सब का एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए कहाँ से वो अपने अरेंज करें। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चाहिए होते हैं, तो उनके लिए एक सीनियर जो है शायद एक्सपीरियंस होने के नाते उनको थोड़ा अच्छा गाइड कर सके। तो हमें जो हमारे सुपर सीनियर्स हैं उनके साथ कोलेबोरेट करके उनको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करवाते अगर ये चलता तो, जो कि कोर्सेज वगैरह यहाँ से इसका मेन इनकम का जो है सोर्स बन सकता था, बट ये ज़्यादा जो है सक्सेसफुल होने के लिए एक इन्वेस्टमेंट और सही टाइम और सही कस्टमर बेस चाहिए होता है। तो क्योंकि सारी चीज़ें सही होती नहीं हैं, आपको बनानी पड़ती हैं। तो देखते हैं अगर फ्यूचर में अगर कभी whoshop.in दोबारा शुरू हुआ तो मैं आपको इसी चैनल पे इन्फॉर्म फिर से करूँगा, और आप बताना वीडियो को लाइक करके आपका कितना सपोर्ट है। कॉलेज इवेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई भी कल्चर फेस्ट वगैरह होता है उसकी इवेंट ऑर्गेनाइज अगर यही whoshop अगर एक जगह पे ये सारी चीज़ें हो पाएँ, तो ये इसका थीम था कि बेसिक प्रोडक्ट्स, रूम फर्नीचर, रेंट पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल, बेसिकली स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्सेज, इंटर्नशिप और कॉलेज इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है whoshop करता। तो वहाँ से जो है हमारी जो मार्जिन फील्ड थी, तो वो रेंट पे 35% और कोर्स सेलिंग पे 13%, प्रोडक्ट सेलिंग पे 26%, कॉलेज इवेंट पे 17% और हॉस्टल स्वैप पे हम 9% की जो है मार्जिन अर्न कर रहे थे। ये हमारे टारगेट्स थे और ऑन एन एवरेज यही था।
इवेंट तो हमें नहीं अब 1 महीने के अंदर कोई ऑर्गेनाइज करने को मिला, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो हमने जो खुद ही अपनी मीटिंग वगैरह अरेंज करवाई थी, तो उसमें तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, लेकिन अरेंजमेंट थी तो स्टार्टिंग में वही है आपके, मार्केटिंग में एक्सपेंड करना पड़ता है, और जो है आपको वहाँ पर कोई अर्निंग नहीं हो रही होती है तो वो आपको खर्चा खुद ही उठाना पड़ेगा। तो हाउ योर प्रोडक्ट विल ऐड वैल्यू टू कस्टमर लाइफ, तो इसका हमने एक जवाब लिखा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बिजनेस फील्ड की तो नॉलेज है नहीं, तो जैसा भी उसका सवाल था तो मैंने उनको वैसा नॉर्मल सी लैंग्वेज में ही आंसर करने की, लेकिन अपने कंसेप्ट को बताने की कोशिश की। और लाइक ओएलएक्स वेबसाइट हमारा भी एक हॉस्टल के लिए एक वेबसाइट रहेगा, हमने ये बताया उनको हु इज़ द आइडियल कस्टमर, तो हमारे जो है हॉस्टल स्टूडेंट्स ही आइडियल कस्टमर थे। मेन पेन पॉइंट टारगेट कस्टमर का क्या है और सोल्व कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें हमने बताया कि स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है, क्योंकि उनके पास बजट कम है और उनको जो है पहुंचाना होता है, तो लोकल प्रोडक्ट कॉस्ट जो है हमें लेस करनी पड़ेगी। तो ये मतलब बेसिक टारगेट कस्टमर का मेन पॉइंट यही था, पेन पॉइंट कि वो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रखता है, और उसको सोल्व करने के लिए हमने ट्राई किया कि लोएस्ट कॉस्ट पे जो है हम उसको प्रोडक्ट को जो है डिलीवर करें, मतलब अपनी सर्विस को बढ़िया से बढ़िया करने का हमने ट्राई किया था। यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, तो यूनिक क्या है, तो हम यूनिक में हमने उनको रेंट पे जो है सामान दिया, और हॉस्टल स्टेप जो है हमने चलाना था। व्हाट कैन बी मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट फॉर योर सॉल्यूशन ऑफ वर्ड, तो इनका मेरे को ज़्यादा अंदाजा नहीं था, तो फिर भी हमने बताया कि कूलर और जो भी रेंट वगैरह पे जो भी सामान है तो वो हमारे साथ ज़्यादा बिकने वाले सामान होंगे। एवरेज टिकट साइज, ये मेरे को ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं थी, तो जो भी मैंने उस टाइम थोड़ा गूगल वगैरह करके इसमें अपना आंसर लिखा था कि पर कस्टमर से हमें कितनी अर्निंग हो रही है, वो कितना पैसा हमें दे रहा है, तो एवरेज टिकट साइज का यही मतलब होता है पर कस्टमर आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं, आप कितना उसकी जेब से निकलवा पा रहे हैं। मार्केट साइज क्या है, तो ये मार्केट साइज जितने भी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होती है वही मार्केट साइज होगा इसका, तो वैल्यूज में तो आप कह नहीं सकते थे, हमारा स्टार्टअप ही था। मार्जिन लेवल हमने ऊपर दिखाया वही है। चैलेंजेस यू थिंक यू कैन फेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो सबसे बड़ा चैलेंज ही यही था कि स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हाई रहती हैं, लेकिन जो है जो जब पे करने की बात आती है तो हॉस्टल्स में उधारी चलती है, तो उधारी किसी भी बिजनेस को ठप कर देती हैं। और सेकंड चैलेंज ये था कि जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आप तो अपना काम तो टाइम पे कर देते हैं, लेकिन जब पेमेंट नहीं मिलती तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर मिलते हैं तो उसमें जो है फिनिश करने में जो है उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि बिना मनी के आपको कैपिटल कॉस्ट रखनी पड़ेगी, और एज अ स्टूडेंट आपके पास वो कॉस्ट भी नहीं होती। और थर्ड थिंग ये थी हमारे साथ कि हम फाइनल ईयर मैकेनिकल के स्टूडेंट थे, तो एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ रहे थे, तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हम इतना टाइम भी नहीं दे पाते, या तो स्टडी में लॉस आता या फिर इसमें लॉस आता। तो ये 3 प्रॉब्लम्स थी, एक तो एक्सपेक्टेशन, एक उधारी, और उधारी की वजह से कैपिटल कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा थी नहीं तो वो प्रॉब्लम थी, और एक स्टडी का जो हमारे पास थोड़ा बर्डन था। व्हाट इज़ योर गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, तो मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजी थी, तो जो भी हमारी सेम स्ट्रेटजी है कि जैसे ओएलएक्स काम करता है उसमें हमारी जो है क्विक डिलीवरी सर्विस हो जाती है, क्योंकि प्रीमियम प्लान हम देने वाले थे, तो 29 वाला जो मैंने आपको बताया, 29 रुपये पर वीक हम जो है स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करके भी 29 रुपये आप पर वीक जो है डिलीवरी अगर पे करते हैं तो आपको नेक्स्ट डे ही आपकी ऑर्डर की डिलीवरी हो जाती है। तो ये हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी। नेक्स्ट अभी इसमें आपको और बताएंगे इसके अलावा कि जो हमने
इसको वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करना है, और क्योंकि अभी हमने आपको अपना आइडिया बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम अगर आपके अच्छे रिस्पॉन्सेज रहे तो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमारी जो टीम की 5 मेंबर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और हमने इनको क्या कैसे प्ले किया। तो इसमें आप थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो एक, चलिए अगर आपका सपोर्ट आया तो मैं आपको अपने टीम मेंबर्स के फोटो और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊंगा और इसके साथ चैलेंजेस को ज़्यादा डिटेल में जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। यहाँ से जैसे ये बाद में तो बाकी चीज़ें हटा दी थी बर्डन आने के बाद, तो ये सिर्फ जो हॉस्टल के आपस में हॉस्टल स्वैप थी तो ऐसे चलता था यहाँ से जा करके ऐड टू कार्ट करके, और यहाँ पर जो है ऑर्डर्स ऑर्डर को जो है अपना कैश ऑन डिलीवरी सेल करके। एक क्विक सेल पावर बाय था, वेबसाइट का भी काफ़ी खर्चा था। एक क्विक सेल वाले जो है मैं इनको प्रमोट नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि हमने इनको से परचेज तो किया लेकिन काफ़ी एक तो कॉस्टली था, लेकिन भैया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चलते हैं। और फिर तो स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तो पेड सर्विस ना लें, क्योंकि हमारे पास तो टाइम कम था, तो इसलिए हमने हड़बड़ाहट में जल्दी से जल्दी वेबसाइट को तैयार करना ही था। तो ये था भी स्टार्टिंग में 12,000 का, तो एकदम से इनका रेट भी 22,000 के आसपास चला गया था। तो जब हमने देखा था उसमें और जब हम परचेस करने गए तो काफ़ी महंगा हो गया था ये, तो 22,000 की वेबसाइट ये काफ़ी मतलब अच्छा नहीं रहता। और आप इससे बढ़िया यूज़ कर सकते हैं बिकाई करके, BIKAY करके, शायद KAI है या पता नहीं वाई है, बिकाई करके एक वेबसाइट है, वो फ्री सर्विस देती है अपने 50 प्रोडक्ट्स तक। तो 50 कैटलॉग आप फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट कर सकते हैं। ये इसके अलावा भी काफ़ी एप्स वगैरह आए हुए हैं, शॉपिफाई आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप वहाँ से अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टार्टिंग करिए, आप पेड के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बिजनेस आपका ठप करता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जो है हॉस्टल्स ऑनलाइन का कंसेप्ट कैसा लगा, और इसके बारे में आप ज़्यादा चैलेंजेस जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और अपनी टीम के मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अकाउंटिंग मार्केटिंग और बाकी चीज़ों डिलीवरी वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब हमने आपस में कैसे बांट रखी थी, क्या सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए हमने जो हमारा क्या फंडा था और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे कम करते थे, जो भी आपका इंटरेस्टेड टॉपिक है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर नेक्स्ट अपनी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।